हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। जैसे कि मेरे हाथ में देख सकती है, ये जो Redmi नोट 9 प्रो है और इसके अंदर जो यार MIUI 12.5.1.0 का स्टेबल अपडेट जो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। मैंने जो यार गाइज थोड़ी देर पहले वीडियो डाली थी जहां पर मैंने बताया था कि आप जो किस तरीके से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके रिलेटेड मैं जो थोड़ी देर के अंदर जो वीडियो लाऊंगा, बट यार वो जो है सक्सेसफुली यहां पर इंस्टॉल नहीं हो सका क्योंकि यार Xiaomi की तरफ से कुछ यहां पर जो कर दिया है। अब क्या ही बोले, उनको शायद से पता चला होगा कि आप जो किस तरीके से बाईपास कर सकते हैं, तो उसके वजह से जो उनने जो पूरा जो मेथड चेंज कर दिया है। और यहाँ पर चूज अपडेट पैकेज से मैं अपने फोन को जो अपडेट ही नहीं कर पाया था, तो मैंने जो कस्टम रिकवरी से अपने फोन को अपडेट कर दिया है फाइनली। बट यहाँ पर जो मेरे फोन के अंदर जो MIUI 12.5.1.0 अपडेट हो चुका है। अब गाइस यार काफी लोगों को मैंने बताया था कि यार ऐसे मैं जो आपको वीडियो लाऊंगा, तो उसके लिए यार माफी चाहता हूँ क्योंकि यार वो जो ट्रिक काम नहीं कर रही है। अब क्या कर सकते, इसलिए मैंने जो उस वीडियो को भी प्राइवेट कर दिया है। अब क्या ही कर सकते, फिलहाल मेरे फोन के अंदर देख सकते MIUI 12.5 है देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम अगर आप जो कंट्रोल सेंटर ओपन कर देते हो, तो यहाँ पर जो आप लोगों को न्यू कुछ UI देखने को मिल जाता है, जहां पर मैंने जो एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखा था, तो देख सकते कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो लोडेड होता था और ये जो है इस तरीके का देखने को मिल जाता है, मैंने जस्ट स्क्रीनशॉट निकाला था, तो इसे इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पर जो देख सकते हैं आपको, जो अगर आप जो स्वाइप करोगे तो यहाँ पर जो आपका जो ब्राइटनेस स्लाइडर है वो जो बार यहाँ पर हाइड हो जाता है नीचे जो है, मतलब हाइड नहीं होता, डायरेक्टली यहाँ पर लॉक हो जाता है, जो कि यार काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर आप जो ऐसे स्वाइप करोगे तो डायरेक्टली आप जो कंट्रोल पैनल से नोटिफिकेशन पैनल के अंदर आ जाते, जो कि यार MIUI 12.5 का जो एक कॉमन सा फीचर बन चुका है, बट यार काफी ज्यादा हैंडी लगता है। तो ये और ये जो सभी फोन के अंदर जो अवेलेबल हो चुका है, जो भी MIUI 12.5 के साथ देखने को मिल जाते हैं। बट यार हाँ, जो भी पुराने एकदम ओल्ड हो चुके हैं डिवाइस, तो Redmi 8A वगैरह, उसके अंदर जो मे बी ये जो है कंट्रोल सेंटर न्यू वाला देखने को नहीं मिला, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी यार इसके अंदर जो आप लोगों को बात करें, तो यार यहाँ पर जो लेटेस्ट आप लोगों को म्यूजिक बार वगैरह देखने को मिल जाता है, जहाँ पर जो देख सकते कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। और ये जो आप यहाँ से जो एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते यहाँ पर जो आपको तीन यहाँ पर जो बार देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर एक नंबर, यहाँ पर दो नंबर, यहाँ पर तीन नंबर, तो आप शायद से देख रहे होंगे कैमरे के यहाँ पर जो ठीक से फोकस कर रहा है। तो यहाँ पर जो एक नंबर के ऊपर अगर आप जो थोड़ा यहाँ पर जो प्रेस कर देते हो, मतलब यहाँ पर आते हो, तो थोड़ा सा हल्का सा वाइब्रेट हो जाता है। यहाँ पर आप जो जैसे इसकी जो है लेवल बढ़ाते हो, जैसे जैसे यहाँ पर जो लेवल पे जाते हो, तो वैसे वैसे जो ब्राइट, मतलब यहाँ पर जो वाइब्रेशन होता रहता है। तो यहाँ से जो आप इसे देख सकते हैं, ये दोनों भी D&D के अंदर भी और यहाँ पर जो भी जो दोनों भी साइलेंट मोड के अंदर जो देखने को मिल जाता है। अब जो यार काफी फोन के अंदर क्या होता है गाइस, कि यहाँ पर अगर कंट्रोल सेंटर के अंदर जाते हो और यहाँ पर जो देखने को मिलता है, यहाँ पर जो आप ऐसे कर देते हो, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग का इशू देखने को मिल जाता था, बट ये जो फिक्स हो चुका है, मतलब इस फोन के अंदर तो फिलहाल देखने को नहीं मिलता। Redmi Note 10 Pro के अंदर देखने को मिल जाता था, बट उसके अंदर भी MIUI 12.5.8.0 के अंदर जो फिक्स हो चुका है, बट यार उसके अंदर देखने को मिल जाता था, तो इस फोन के अंदर जो फिलहाल ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर आपको मैं जो सिक्योरिटी पैच भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यार मैंने जो दिखाया नहीं है कुछ भी, सिर्फ यहाँ पर अबाउट फोन के अंदर जाने के बाद वॉट्स न्यू के ऊपर मैं जैसे क्लिक कर देता हूं, तो यहां पर देख सकते हो वॉट्स न्यू के अंदर जो सब कुछ जो आप लोगों को यहां पर मेंशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोगों को 20 टाइम्स रेंडरिंग मोर पावर वगैरह देखने को मिल जाती है, जो कि यार यहां पर साफ साफ आपको बता दिया है कि रेंडरिंग पावर जो इसकी बढ़ा दी है 20 टाइम्स, क्योंकि यार आप लोगों को पता है एकदम लाइट वेट बना दिया है MIUI 12.5 के अंदर। वैसे जो MIUI 12.5 का ही एक इनहांस वर्जन भी आने वाला है, उसके अंदर जो आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, उसके अंदर जो ज्यादा फीचर वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, बट यहां पर जो सब कुछ जो परफॉर्मेंस आप लोगों को एकदम तगड़ा नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगा, स्मूथनेस आप बोल सकते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को नोट्स के अंदर देख सकते हैं गेस्चर का वगैरह सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वैसे आप इसे पहले भी यूज कर सकते थे, इसके लिए जो अल्फा वर्जन आप लोगों को सिंपली जो अपने फोन के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ता था। यहाँ पर सिक्योरिटी पैच टू जुलाई अगस्त, मतलब यहाँ पर देख सकते पैच टू अगस्त 2021 का यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि यार काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को सिक्योरिटी पैच वगैरह देखने को मिल जाता है अगस्त का, तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो गाइस कुछ इस तरीके का यह अपडेट देखने को मिल जाता है। बाकी यार इसके रिलेटेड पूरा जो मैं आप लोगों को वीडियो जो है नेक्स्ट अपडेट, मतलब नेक्स्ट वीडियो बनाकर दे दूंगा, जहां पर फुल रिव्यू इसका दिखाऊंगा। वैसे यार इसके रिलेटेड सब कुछ जो वीडियो आने वाले चार्जिंग टेस्ट वगैरह 0 to 100% वगैरह, तो आप उस वीडियो का भी वेट कर सकते हैं। बाकी यहां पर देख सकते सब कुछ जो एज इट इज सब कुछ वैसा ही देखने को मिल जाता है। अब काफी लोग बोलेंगे कि गेम टर्बो के अंदर वॉइस चेंजर वगैरह मिला है क्या, तो गाइस मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी जो है रशिया का रोम में मैंने अपने फोन के ऊपर जो है यही सेम रोम जो फ्लैश किया था, तो उसके अंदर जो हमें देखने को नहीं मिलता था, तो इसके अंदर भी देखने को नहीं मिलेगा, ये जो मैं श्योरली आप लोगों को बता सकता हूँ। फिर भी आप लोगों को बताने दिखाने के लिए यहाँ पर जो मैं जाता हूँ गेम टर्बो को ओपन कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अभी फिलहाल मेरे पास कोई भी गेम नहीं है, तो मैं रिमोट को ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर जो है इनेबल है क्या है देख लेता हूँ, तो फिलहाल इनेबल है। और यहाँ पर जो मैं जाता हूँ और इसे ओपन कर देता हूँ,
तो ओपन करने के बाद परमिशन मांगेगा, एग्री कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम ओपन करते टाइम परमिशन आ जाती है, तो यहाँ पर जो देख सकते 12 आ चुका है। और यहाँ पर जाता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वॉइस चेंजर का आइकॉन वगैरह देखने को नहीं मिलता। जी हाँ गाइस, इसके अंदर जो स्टॉप वॉच जो टाइमर का ऑप्शन है वो जो ऑफिशियली आ चुका है, वैसे आप इसे पहले भी यूज़ कर सकते थे सिक्योरिटी ऐप को अपडेट करके। बस यार इसमें यही देखने को मिल जाता है, बाकी यार कोई भी ऐप्स वगैरह अगर आप जो ओपन कर देते थे तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा लॉन्ग प्रेस करके रखते थे तो यहाँ पर जो कुछ 3 UI आते थे तो वो भी अभी भी इसमें ऐड नहीं किया गया। बाकी यार एज इट इज़ सब कुछ वैसा ही देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस जो थोड़ा बहुत जो इन्हांस हो चुका है MIUI 12.5 के अंदर। और यहाँ पर जो गाइज मेन बात की पावर मेनू चेंज हुआ है, तो गाइज पावर मेनू वगैरह कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो कुछ इस तरीके का अपडेट देखने को मिल जाता है। रही बात कि गाइज इसमें क्या कुछ फीचर वगैरह देखने को मिला है, तो मैं जो उसके रिलेटेड एक फुल वीडियो बना कर दे दूंगा जिसमें फुल रिव्यू वगैरह कवर करूंगा, तो आप जो उस वीडियो का वेट करना, कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। बस यार आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही बताना चाहता था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, पसंद आते तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये अपडेट नहीं मिला तो आपको जो है वेट करना है, 10 दिन के अंदर जो ये अपडेट जो IMEI नंबर के हिसाब से सब कुछ जो है रिलीज किया जाएगा, आप जो उसे अपडेट कर सकते। तो यार आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, पसंद आती तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, टिल देन एंड बाय बाय।